मैंने देखा कर्नाटक का वो दृश्य, एक बेटी जा रही है उसके पीछे 25 गुंडे चिल्ला रहे। मुझे बताओ कौन सा हिंदू है इस देश में जो किसी बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने को बर्दाश्त कर सकता है? क्या हमारी हिंदू संस्कृति यही सिखाती है? क्या प्रभु श्री राम ने हमें यही शिक्षा दी है? क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है हमें? मैं पूछना चाहता हूं, बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, अगले की हो, पिछड़े की हो, दलित की हो, सवेल की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, पूरे हिंदुस्तान में बेटियों की इज्जत करना हमारा धर्म है। अरे संजय सिंह ये कहता है, मेरे दुश्मन की भी बेटी होगी उसके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपनी जान लेके भी उसकी रक्षा करने का काम करूंगा। यह है भारतीय संस्कृति। संजय भैया जिंदा देव, संजय भैया जिंदा देव, ये हमारी सभ्यता। आप मुझे बताइए 90 साल तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बड़ा वाला हाफ पैंट पहन के घूमते थे, किसी ने मना किया? किसी ने मना किया क्या? अब फुल पैंट पहन के घूमते हैं, किसी ने मना नहीं किया? आप स्वतंत्र हैं, आप घूमिए। हमारी हिंदू बेटियां बहुएं घूंघट निकाल के जाती है, हमारी सिख बेटियां अपना सर ढक के जाती है, हमारी ईसाइयों की बेटियां वो भी अपना सर ढक के जाती है। एक इनका हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता जींस नहीं पहन सकते, तीर्थ रावत थे वो कहते फटी जींस। एक अभी आ गए हिजाब नहीं पहन सकते, कल को कहेंगे हमारी बहुएं घूंघट नहीं निकाल सकते। इसको बर्दाश्त करोगे क्या आप लोग? बर्दाश्त करोगे क्या? बर्दाश्त करोगे आप लोग? तो बेटी की इज्जत, बेटी की इज्जत होती है, वो किसी की भी बेटी है। और साथियों और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, इस सरकार से बहुत लड़ाई लड़ी है मैंने, 21 मुकदमे लिखे आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सांसद हूं, किससे पीड़ा व्यक्त करूं अपनी? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का। मेरी पत्नी घर पे थी, 70 पुलिस वालों को भेज के धमकवाया बाबा जी ने, आदित्यनाथ जी ने। मैं गया था, नेवेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या हो गई, सीतापुर में 150 पुलिस वालों के साथ गिरफ्तार करा लिया, पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। आज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, विनती करने के लिए आया हूं, अपने छोटे भाई डॉक्टर अनुराग मिश्रा के लिए इसको यहां से जिता देना आपको। इस अत्याचार, इस जुल्म